हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना सीखने वाले, जैसा कि मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है 8, 16, 32। 32 का एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे आप, जैसा कि आप जान लीजिए, कम से कम एलसीएम में दो संख्या लगनी चाहिए, जैसे कि 8 और 16 है। तो मान के चलिए 32 किसी नंबर से नहीं लग रहा है, 8 और 16 लग रहा है, तो कम से कम छोटे नंबर से लगे तो छोटे नंबर से हमें पहले लगाना है। तो चलिए यहाँ पे हम 2 से लगा लेते हैं। सबसे पहले 2 से यहाँ पे 4, 2 से 8 एंड 2 से 16, और फिर यहाँ पे 2 से लग जाएगा 2 से 2, 2 से 4, 2 से 8, और यहाँ फिर 2 से लग जाएगा 2 से 1, 2 से 2, 2 से 4। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्लियर हो नहीं हुआ है, एक और होगा अभी। तो फिर यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे 2 से 1, 2 से 1, 2 से 2। तो गाइस अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो, जैसा कि मैंने बताया, दो संख्या और उससे अधिक लगना चाहिए। तो यहाँ पे दो संख्या नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पे दो संख्या नहीं लग रहा है इसीलिए ये नहीं लगेगा। तो इसका अगला स्टेप है 2 into 2 into 2 into 2 into 1 into 1 into 2। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पे हमें इसका एलसीएम आ रहा है 32 आ रहा है। और एक और एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दूसरा भी एक और बता देता हूँ, अगर इसमें आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। तो अब हम निकालते हैं 48, 16, 9। तो चलिए यहाँ पे अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले हम अब लगा लेंगे छोटे संख्या से, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 से 2 2 या 2 4 या 2 8 या, और 9 तो लगेगा नहीं इसलिए 9 ऐसा ही रह जाएगा। फिर हम लगाएंगे 2 से आप लगाइए, 2 से तो लग ही रहा है, 2 से लगाइए 2 से 12, 2 से 4, 2 से 9। अब यहाँ पे फिर से 2 से लग रहा है, और हाँ, तो यहाँ पे 2 से लग रहा है, तो फिर हम 2 से लगा लेंगे 2 6 टाइम में 2 2 टाइम में, और 2 से 9। और यहाँ पे फिर अब हम 2 से लगा लेंगे, 2 से लग रहा है इसीलिए फिर से लगा लेंगे हम 2 से, फिर 2 से 3, और 2 से यहाँ पे फिर 1, और हमारा ये 9 9 ही रह जाएगा। और फिर अब हम लगाएंगे 3 से अब हम लगाएंगे 3 से 1, और फिर यहाँ पे 1 का 1 रह जाएगा, और 3 से 3। और हम अब इसका अगला स्टेप करेंगे। तो चलिए अब इसका अगला स्टेप करते हैं, जैसा कि 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 1 into 1 into 3, और इसका 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 और 48 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम निकल चुका है। आप, आई होप आप सभी एलसीएम सीख लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे, और अब मैं आप सभी को सिखाऊंगी एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, तो हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं, जैसा कि आपको 2 4
8 कैसे निकालना है। तो आप यहाँ पे कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले 2 से 1, 2 से 4 लगा देंगे 2 टाइम में, 2 से 8 लगा देंगे 4 टाइम में, 2 से फिर 2 टाइम में। तो सबसे बड़ा बात आप सबसे पहले जान लीजिए, ईएचसीएफ में कम से कम तीनों में कॉमन हो, तीनों में एक कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 में फिर हम देखेंगे 2 × 1, 4 में 2 × 2, 8 में 2 × 2 × 2। तो ये तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो ये तीनों में कॉमन आ रहा है 2 × 2 इक्वल टू हमारा HCF आ गया 2। सो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यही एक ही HCF सिखा रहा हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।